नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना उपाध्याय, शासकीय मिनी माता गर्ल्स कॉलेज बलौदाबाजार। आज हम बीए फाइनल पेपर सेकंड और यूनिट सेकंड का चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप। इसके अंतर्गत हम माध्यिका निकालना सीखेंगे। हम तीनों श्रेणियों के अंतर्गत माध्यिका को देखेंगे। माध्यिका का मतलब है किसी समांक श्रेणी को आरोही या अवरोही श्रेणी में व्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के मध्य में जो मूल्य आता है उसको हम माध्यिका कहते हैं। तो इस सवाल में आरोही और अवरोही ये दो श्रेणियों में सबसे पहले हमको सीरीज को या समांक को व्यवस्थित करने की जरूरत है, तभी हमको बीच की संख्या प्राप्त होगी। हम समांक को तीन श्रेणियों के अंतर्गत, माध्यिका को हम तीन श्रेणियों के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका निकालने की विधि। तो व्यक्तिगत श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। और ये देखिए, ये सवाल है, यहाँ पे ये व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल है। और ये जो सवाल आपको दिया गया है ये आरोही और अवरोही में से किसी क्रम में व्यवस्थित नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम से और अवरोही मतलब घटते हुए क्रम से। तो हम इसको आरोही क्रम से व्यवस्थित कर देते हैं। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम से छोटे से बड़े की ओर होता है। तो ये छोटी संख्या से 5, 7, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 21, तो इस क्रम से हमने इसको व्यवस्थित कर लिया है। इसका सूत्र है निकालने का, एम इज इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू आइटम। तो इसको अब हम हल करते हैं। साइज ऑफ एन, एन कितना है? व्यक्तिगत श्रेणी में एन का मतलब है ये पद को हम गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, ये 9 है। और तो ये एन इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 1 अपॉन 2 आइटम। तो हम देखते हैं साइज ऑफ 9 प्लस 10 बटे 2। अब हम देखते हैं कि 10 को 2 से हम भाग देते हैं तब तो आता है ये 5। तो पांचवा आइटम, फिफ्थ आइटम की जो वैल्यू है वही माध्यिका है। तो फिफ्थ आइटम की वैल्यू क्या है? 9। तो माध्यिका का मूल्य क्या होगा? यहाँ पे माध्यिका का मूल्य होगा 9। ये माध्यिका इज इक्वल टू 9। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए आपको पॉइंट में ये आता है, एम का जो आंसर है पॉइंट में आता है। मान लीजिए ये 5 की जगह 5.5 आएगा, तो आप किसको माध्यिका मानेंगे? पांचवी इकाई को या छठवीं इकाई को? तो इसके लिए सूत्र ये है कि हम पांचवी और छठवीं दोनों इकाई को जोड़कर उसको 2 से भाग दे देंगे, अर्थात एवरेज निकाल लेंगे और वो जो आएगा आंसर वही माध्यिका होगा। तो आपको पॉइंट आने की स्थिति में दोनों संख्याओं को जोड़ना है, जोड़कर आपको 2 से भाग देना है। अब हम खंडित श्रेणी में माध्यिका निकालने का तरीका देखते हैं। खंडित श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें कंटिन्यूटी तो नहीं होती लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी होती है। तो हालांकि सूत्र वही है जो आपने व्यक्तिगत श्रेणी में देखा था, लेकिन इसमें निकालने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। तो सबसे पहले खंडित श्रेणी में माध्यिका निकालने के लिए हमको सबसे पहले सीएफ निकालना पड़ता है, संचयी आवृत्ति निकालनी पड़ती है। देखिए ये सवाल है, एम और एफ दिया हुआ है, ये एफ यानी फ्रीक्वेंसी है, ये पद है। अब हम इस फ्रीक्वेंसी से क्या निकालेंगे? संचयी आवृत्ति निकालेंगे। संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं? संचयी आवृत्ति, जुड़ी हुई आवृत्ति भी हम इसको कहते हैं। जैसे एक एक को हम 9 से जोड़े 10, 10 को 26 से जोड़े 36, 59 से जोड़ेंगे तो 95, 72 से जोड़ेंगे तो 167, 52 से जोड़ेंगे तो 219। इस तरह से हम इसको जोड़ के निकालते हैं। और निकालने के बाद अगर हम ये सही है कि नहीं इसको कंफर्म करने के लिए अगर हम ऐप का योग करते हैं, ये लास्ट जो आपका जोड़ आएगा ये इसके बराबर आएगा। तो सूत्र वही है, एम इज इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू आइटम। एन के क्या है हमारा यहाँ पे?
एन यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का योग होगा, तो ये एन हो जाएगा 256 + 1/2। तो हम इसको एक को इसमें जोड़ते हैं तो 257/2 ये हो गया। 257 को हम 2 से भाग देते हैं तो ये आएगा, 257 को 2 से भाग देने से 128.5। 228.5 ये आया है। तो हमको यहाँ पे इसको देखना है कि 228.5 किस संचयी आवृत्ति के अंतर्गत आ रहा है। तो ये संचयी आवृत्ति के अंतर्गत किसके अंतर्गत आ रहा है, 167 के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये 128.5 संचयी आवृत्ति 167 के अंतर्गत है, अतः इससे संबंधित पद, तो इससे संबंधित पद की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है। इससे संबंधित पद की वैल्यू है 4, पद का मूल्य 4 है, अतः m इज इक्वल टू 4। तो ये खंडित श्रेणी में माध्यिका निकालने की विधि। अब हम सतत श्रेणी के अंतर्गत माध्यिका निकालने की विधियों का अध्ययन करते हैं, निकालेंगे। तो सतत श्रेणी, इसको ये कंटिन्यू होता है, इसमें देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इसको इसलिए हम इसको सतत श्रेणी के नाम से जानते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो यहाँ पर भी माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमको संचयी आवृत्ति निकालनी होगी। संचयी आवृत्ति CF, इसको निकालने की विधि तरीका क्या है, 5 का 5, 10, 5 में 10 जो 15, 15 में 14 जोड़ेंगे तो 29, 29 में 20 जोड़ेंगे 39, 39 35 जोड़ेंगे तो 84। तो इस तरह से हम जोड़कर इसको निकाल लेते हैं। इसको हम चेक करने के लिए फ्रीक्वेंसी का योग, अगर इसके योग के बराबर आता है तो हमारी जो संचयी आवृत्ति है वो सही है। यहाँ पे सूत्र में थोड़ा सा अंतर है खंडित श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणियों की तुलना में, वो यहाँ पे हो जाएगा एम इज अ साइज ऑफ एन अपॉन टूथ आइटम। एन का मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के योग से है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का योग क्या है, 100। तो m इज इक्वल टू 100/2, इसको हम 2 से भाग देते हैं तो ये आता है 50। अब इस 50 को हम देखते हैं कि ये 50 किस संचयी आवृत्ति के अंतर्गत आ रहा है। तो हम देखते हैं कि 50 इस 84 के अंतर्गत है और इसलिए ये वर्ग क्या कहलाएगा, माध्यिका वर्ग कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये 50 संचयी आवृत्ति 84 के अंतर्गत है, अतः 40 से 50 वाला वर्ग मध्य एम वर्ग है या मध्य का वर्ग है। अब हम ये सवाल यहां पर ही खत्म नहीं होता, अब सतत श्रेणी में हम एक सूत्र लगाते हैं और वो सूत्र है एम इज इक्वल टू L1 + L2 - L1/Fm - C। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सूत्र में ये चीजें कहाँ पे हैं। तो ये L1 है, ये L2 है, ये F है और M जो निकला है अपने पास, और C है इस वर्ग, या हम कहें माध्यिका वर्ग वाले वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति को हम सी के नाम से जानते हैं। तो हमको सारा फिगर मिल गया है, हम इस सूत्र में उसको लगा देते हैं। एम L1 है 40, L2 है 50 - 40, F है 35 और M है 50 और C है 49। अब हम इसको हल कर लेते हैं। एम इज इक्वल टू 40 + 10/35, इसको हम करते हैं तो 1 आता है, तो
तो ये हो गया 10/35। अगर हम 10 को 35 से भाग देते हैं तो ये आता है 0.285। तो m इज इक्वल टू 40.285, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन एक चीज और, यहां हमने सबसे पहले कहा था कि माध्यिका में आरोही या अवरोही क्रम से हमको सवाल को व्यवस्थित करना है, तो कभी कभी हमको ये सतत श्रेणी में भी आरोही क्रम से अवरोही क्रम से आपको सवाल दिया जा सकता है, अर्थात ये उल्टा हो सकता है, 60 से 70, 70 से 50, 60 ये क्रम से आपको सवाल दिया जा सकता है। तो उस स्थिति में आपके सूत्रों में थोड़ा सा चेंज होगा और ये सूत्र क्या हो जाएगा, L1 की जगह L1+ की जगह L1- हो जाएगा, और तब आप उस तरह से सवाल को बनाएंगे। और नहीं, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप अवरोही क्रम को आरोही क्रम में परिवर्तित करके भी इस तरह से सवाल बना सकते हैं। थैंक यू।